सपा की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के बाद जिसका बड़ा समर्थन हमें देखने को मिलता है वो सपा पार्टी है उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसको कहा जाता है कि जो उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार आ गई ज़्यादातर चांसेस उसी के केंद्र में भी सरकार बनाने के हो जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे चुनावी लहजे से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले जो है वो उत्तर प्रदेश का जो राज्य है जो प्लेस है वो करती है। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि जिस तरीके की हम सपा की बात कर रहे हैं, देखिए फ़ायदा तो होने वाला है, बिल्कुल यहाँ पर सपा को फ़ायदा होगा, लेकिन वो फ़ायदा हमें कैसे दिखने वाला है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी तुषार के साथ। आज एक बार फिर से हम बात करने जा रहे हैं महागठबंधन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि 23 जून के दिन बिहार के पटना में एक अहम बैठक आयोजित की गई थी, जहां पर तमाम विपक्षी दलों ने साफ तौर पर अपनी बात रखी कि वह 2024 के लोकसभा चुनाव एकजुट होकर ही लड़ेंगे। इस बैठक का हिस्सा बने तमाम विपक्षी दलों के जो प्रमुख हैं वो सभी यहां पर देखा गया कि इस बैठक में सपा प्रमुख अखिलेश यादव से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, टीएमसी के राष्ट्रीय संयोजक और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर महाराष्ट्र से शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी। यहां पर देखा गया कि अब विपक्षी दल साफ तौर पर कह चुके हैं कि एकजुट होकर ही वह चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में देखा गया कि राहुल गांधी भी साफ तौर पर अपनी बात रखे हैं। सबसे पहले आपको सुनाएंगे कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा इस महागठबंधन को लेकर और कैसे वह मोदी सरकार पर तंज कसते हुए नजर आए हैं, सुनिए जरा। उन सबका स्वागत, आप सबका स्वागत। नीतीश जी ने आज लंच में हमें बिहार की मतलब सब डिशेस खिला दी, लिट्टी चोखा, उनका स्पेशल गुलाब जामुन, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जैसे आप जानते हैं हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है, फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। मैंने मीटिंग में भी कहा यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे और जो हमारी विचारधारा है जिसको हम शेयर करते हैं उसकी हम रक्षा करेंगे। जैसे खारगे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा, कुछ ही समय में अगली मीटिंग होगी और ये जो आज हमने बातचीत की उसको हम थोड़ा और गहराई में ले जाएंगे, मगर ये एक प्रोसेस है, ऑपोजिशन यूनिटी की एक प्रोसेस है और ये अब बहुत गहरी तरीके से आगे बढ़ने जा। आपने सुना कि किस तरीके से राहुल गांधी यहां पर अपनी बात रखे। अब इस महागठबंधन के बाद सवाल खड़े होते हैं, क्या समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव यहां पर इस महागठबंधन से जुड़ते हुए नजर आ सकते हैं? क्योंकि ये सवाल इसलिए अहम बनता है कि नेताजी के चले जाने के बाद, मुलायम सिंह यादव जी के चले जाने के बाद सपा की कमान को वह संभाले हुए हैं और इस पार्टी को वह नेशनल लेवल पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन अकेले ही इस पार्टी को नेशनल लेवल पर क्या वह ले जा पाएंगे? क्योंकि यहां पर सवाल तो ये भी खड़े होते हैं कि बहुजन समाज पार्टी से सुप्रीमो मायावती का आखिरकार क्या कुछ फैसला होगा, क्या महागठबंधन से मायावती जुड़ेंगी या फिर नहीं। ऐसे में यहां पर अखिलेश यादव को फूक फूक कर कदम रखने की बेहद जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि कांग्रेस खेमे से उनका गठबंधन होना इतना आसान नहीं होने वाला है। साल 2017 में राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव मैदान में उतरे थे और हमने देखा कि कांग्रेस और सपा का महागठबंधन हुआ और यहाँ पर दो लड़के एक साथ नजर आए और लगातार यहाँ पर नारेबाजी की गई थी, दो लड़के ये शब्दों का इस्तेमाल किया गया था उस वक्त, लेकिन देखा गया कि सपा को कोई खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि समाजवादी पार्टी पर अगर रुख किया जाए कई बड़े दलों के साथ इन्होंने गठबंधन किया लेकिन फायदा होता हुआ नजर नहीं आया है। ऐसे में अब अखिलेश यादव के लिए कांग्रेस खेमे से गठबंधन करना क्या यहाँ पर आसान हो सकता है? अगर होता है तो क्या अखिलेश यादव की पार्टी को इस बार कोई बड़ा फायदा हो सकता है? सबसे पहला अहम सवाल तुषार यही बनता है, क्या समाजवादी
समाजवादी पार्टी को इस गठबंधन का कोई बड़ा फायदा होगा? देखिए, सिर्फ समाजवादी पार्टी की बात करें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी को ही फायदा होने वाला है, जितने भी विपक्षी दल हैं उन सभी को इसमें फायदा होगा। क्योंकि अगर हम महागठबंधन की बात कर रहे हैं तो उसमें जब गठबंधन बनेगा तो सभी विपक्षी दल आएंगे और सभी को सीटों को लेकर जो एक समीकरण बनेगा उस पर सभी का कहीं ना कहीं हिस्सेदारी उसमें होगी और सभी को फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। बात करें सिर्फ यूपी की तो देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर हम सपा की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास जिसका बड़ा समर्थन हमें देखने को मिलता है वो सपा पार्टी है उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसको कहा जाता है कि जो उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार आ गई ज्यादातर चांसेस उसी के केंद्र में भी सरकार बनाने के हो जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे चुनावी लहजे से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले जो है वो उत्तर प्रदेश का जो राज्य है जो प्लेस है वो करती है। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि जिस तरीके की हम सपा की बात कर रहे हैं, देखिए फायदा तो होने वाला है, बिल्कुल यहाँ पर सपा को फायदा होगा, लेकिन वो फायदा हमें कैसे दिखने वाला है? या तो ऐसे होने वाला है कि जितनी पहले सीटें आती थी उससे थोड़ी ज़्यादा आ जाएंगी बस, और या फिर इतना बड़ा फायदा हो कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वही बदल जाए, सीधा सपा को फायदा हो जाए या बाकी गठबंधन की सरकार जो भी उनका नेतृत्व उत्तर प्रदेश कर रहा होगा वो जीत जाए, तो ये वाला एक देखने वाली चीज होगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं मोदी की, हम बात कर रहे हैं बीजेपी की, हम बात कर रहे हैं योगी की। तो जब तक योगी की बात हो रही है, मोदी की बात हो रही है, बीजेपी की बात हो रही है, तब तक सपा को इतना बड़ा फायदा होता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से यूपी में अपना प्रभुत्व जमा लिया है वो बहुत तगड़े तरीके से जमा लिया है। फायदा हम बात करते हैं ना, फायदा तभी होता है जब आपको पूरे तरीके से फायदा मिले, नहीं तो छोटे मोटे फायदे तो आप पहले भी देख रहे थे। 2017 की आपने बात की कि जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ में उतरे थे, दो लड़कों की बात की गई थी कि यूपी के दो लड़के, बहुत शोर मचा था, बहुत प्रचार किया गया था, लेकिन क्या हुआ, मोदी जी की लहर आई, भारतीय जनता पार्टी की लहर आई और सब बह गए। तो यही देखने वाली बात है कि इस बार जो गठबंधन बन रहा है जिसमें सारे विपक्षी दल आ रहे हैं, फायदा तो इसमें होगा, लेकिन कितने स्तर का फायदा होगा इसमें अभी देखने में थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पर दूसरा अहम सवाल ये बनता है कि अखिलेश यादव ने एक और बात कही है। अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी को हराने के लिए जो भी दल उनके साथ आना चाहते हैं खुले मन से वह उनका स्वागत करते हैं। अखिलेश यादव ने अब देखा जाए तो गठबंधन को लेकर एक बड़ा संकेत दे दिया है, यूपी में गठबंधन के लिए कांग्रेस का बड़ा दिल दिखाना होगा, अखिलेश यादव ये साफ कर चुके हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर तुषार एक बड़ी बात ये सामने आती है कि अगर यहां पर समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस खेमा आ भी जाता है तो क्या कांग्रेस के लिए वह कोई बड़ा दिल दिखा देंगे? क्योंकि यहां पर देखा जाए सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि पीएम पद की दावेदारी के लिए किसे आगे किया जाएगा। दूसरी बड़ी बात यहां पर यूपी की सियासत में यह निकल कर आती है कि अखिलेश यादव बड़ा दिल दिखाते हुए क्या सीटों का बंटवारा बखूबी कर पाएंगे? क्योंकि लोकसभा सीटों पर अगर रुक किया जाए तो अब कांग्रेस के पास एक ही लोकसभा सीट बची हुई है, वो है रायबरेली, जहां से इस वक्त सोनिया गांधी जी सांसद हैं। और बड़ी बात यह निकलकर सामने आई कि अखिलेश यादव रायबरेली का बार बार दौरा करते हुए देखे गए, स्मृति ईरानी भी रायबरेली का दौरा की है, दावे ये किए जा रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे किया जा सकता है, अगर राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो जाती है तो राहुल गांधी को उतारा जा सकता है। ऐसे में देखा जाए तो सोनिया गांधी को लेकर नेताओं ने अब अपील कर दी है कि आप ही यहां से चुनाव लड़िए एक बार फिर से। तो ऐसे में अखिलेश यादव का क्या कोई बड़ा दिल देखने को मिलेगा? क्योंकि महागठबंधन हो जाएगा तो रायबरेली सीट को लेकर यहां पर मारामारी जरूर नजर आ सकती है। देखिए, अगर आपको गठबंधन में सबके साथ रहकर सरकार चलानी है और अगर आपने ये फैसला लिया है, अगर आप 23 जून को उस बैठक में बैठे भी, तो ये कहीं ना कहीं दिमाग में सबके था कि अगर हम जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम सबको बड़ा दिल जो है वो रखना पड़ेगा। राहुल गांधी ने भी ये बात कही थी कि कांग्रेस जो है वो बलिदान देने के लिए तैयार है, लेकिन हम सबको एक साथ आना होगा। अब यहाँ पर पेंच जो फंस रहा है ना प्रांची, वो हर जगह यहीं फंस रहा है, हर एंगल से यहीं जाकर फंस जा रहा है कि जो आपसी पार्टियों के मतभेद हैं क्या वो भुला पाएंगे, वो भुला कर उसको साइड में रख कर वो आगे बढ़ पाएंगे। और यहाँ पर भुलाना इसलिए जरूरी होगा क्योंकि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा त्याग दिखाना होगा, चाहे वो हम बात करें ममता बनर्जी की, चाहे हम बात करें राहुल गांधी की, चाहे हम बात करें केजरीवाल की, अखिलेश यादव की, किसी की भी हम बात करें, सबको यहाँ पर अपने आप देखिए ना, हम बात करें पंजाब की, बात करें हम बात करें बंगाल की, हम बात करें छत्तीसगढ़ की, बात करें हम बात करें राजस्थान की, बात करें तो जहां जहां पर विपक्षी दलों की सरकारें हैं क्या वहां वहां पर वो अपनी सीटों से दूसरी जो पार्टियां हैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार होंगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो जिस तरीके की यूपी की बात करी है, आपने बोला सपा में अखिलेश यादव को बड़ा दिल दिखाना होगा, क्या वो दिखा पाएंगे? देखिए, दिखाना तो पड़ेगा, दिखा पाएंगे तो अच्छा होगा, नहीं दिखा पाएंगे तो उन्हीं का लॉस है। आखिरी छोटा सा सवाल यहां पर रहेगा तुषार की, बहुजन समाज पार्टी से जब समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ तो 38 लोकसभा सीटें वह जीत गए थे, लेकिन बड़े दलों के साथ समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हुआ वो खासा अच्छा नहीं रहा, कामयाब नहीं हुआ, और ऐसे में कैंपेन चलाया गया दो लड़कों के नाम से, जैसा कि आपने बताया ही कि काफी
ज्यादा उस वक्त शोर शराबा भी हुआ था। लेकिन अब देखा जाए, क्या वाकई में सपा और कांग्रेस का गठबंधन होना चाहिए? अगर ये गठबंधन हो जाता है तो क्या बसपा भी यहाँ पर शामिल होती हुई देखी जा सकती है या फिर नहीं? देखिए, बसपा ने अपना रुख जो है वो पिछले कुछ दिनों में बदला है। जैसे उनकी पहले की राजनीति थी एकला चलो वाली, वो उन्होंने बदली है और अब उनका बयान जिस तरीके से सामने आया कि उनकी नज़रें जो है वो अब गठबंधन पे है, यानी कि वो भी चाह रहे हैं कि उनको भी उसमें शामिल किया जाए। हालांकि तब तक उनकी एकला चलो की नीति थी तो उनको किसी ने शामिल नहीं किया था। अब जो अगली मीटिंग होने वाली है शिमला में, क्या पता उसमें उनको शामिल कर लें। तो बात जहाँ तक रही कि बड़े विपक्षी दलों के साथ आने की, देखिए आना तो पड़ेगा। अगर आपको सीटें चाहिए, आपको अपना समर्थन बढ़ाना है तो आपको आना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि गठबंधन बनेगा और आएगा और इस बार भारतीय जनता पार्टी को यह गठबंधन चोट जरूर पहुंचाएगा। वाकई में यहाँ पर अब देखा जाए तो मोदी सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत ये गठबंधन बन चुका है। अब देखते हैं कि अखिलेश यादव कांग्रेस खेमे से जुड़ेंगे या फिर नहीं, क्या वाकई में इन चुनौतियों का वह डटकर सामना करेंगे। देखते हैं कि मायावती का जो तेवर यहाँ पर अब नरम होते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के लिए, क्या यहाँ पर ये महागठबंधन होगा या फिर नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव राहुल गांधी के समर्थन में उतरते हुए दिखाई दिए और बीच में तो ये तक कहा गया कि अखिलेश यादव राजी हो चुके हैं। अब आपकी इस पर क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है कि आखिरकार महागठबंधन होना चाहिए या फिर नहीं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस खेमे का? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।